दोस्तों आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे आप मल्टीपल सीट से वैल्यूज को लुकअप करा सकते हैं इंडेक्स प्लस मैच फार्मूला की मदद से। दोस्तों यहां पर इंडेक्स प्लस मैच फार्मूला कैन नॉट डू दिस जॉब अलोन, हमें इंडेक्स प्लस मैच फार्मूला के साथ एक और फार्मूला भी यूज करना होगा और साथ में हमें कई ऐसी एक्सेल टिप्स एंड ट्रिक्स का भी यूज करना होगा इस काम को करने के लिए। तो चलिए देखते हैं कि इस काम को कैसे किया जाता है। मैं हूं आपका दोस्त जीके और आप देख रहे हैं डिजिटल वॉकवे। तो यहां पर मल्टीपल सीट लुकअप इंडेक्स प्लस मैच फॉर्मूला की मदद से कैसे काम करता है इसके लिए मैंने यहां पर एक डेमो फाइल बनाई है। तो देखिए यहां पर आप देख सकते हैं ब्रांच का ड्रॉप डाउन लिस्ट है, ब्रांच 1, 2, 3 और यहाँ पर मेरे पास तीन अलग अलग ब्रांच की वर्कशीट है। ये है ब्रांच 1 की वर्कशीट जहाँ पर अलग अलग प्रोडक्ट्स है और यहाँ पर इनकी सेल्स अमाउंट है। ब्रांच 2 में भी वही प्रोडक्ट है लेकिन सेल्स अमाउंट अलग है और ब्रांच 3 में भी वही प्रोडक्ट सेल हो रही है लेकिन सेल्स अमाउंट यहाँ पर अलग है। अब यहाँ पर मास्टर डेटा व्यू में मैंने एक छोटा सा डैशबोर्ड या कहे तो इन्फॉर्मेशन के लिए कुछ इस तरह का डेटा तैयार किया है। तो यहाँ पर है ब्रांच का ड्रॉप डाउन लिस्ट और यहाँ पर है प्रोडक्ट का ड्रॉप डाउन लिस्ट। अब देखिए यहाँ पर सेल्स अमाउंट शो हो रही है 6000 जो है मार्कर की ब्रांच 1 के लिए। अब मैं यहाँ पर ब्रांच चेंज करूँगा ब्रांच 2, तो देखिए सेल्स अमाउंट चेंज हो रही है। ब्रांच 2 में हम चलते हैं मार्कर की सेल्स अमाउंट देख लेते हैं 2456, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2456। अब यहाँ पर मैं ब्रांच चेंज करूँगा ब्रांच 3, तो यहाँ पर सेल्स वैल्यू है 7800। ब्रांच 3 में हम चलेंगे मार्कर की सेल्स वैल्यू देखेंगे 7800। उसी तरह आप यहाँ पर अलग अलग प्रोडक्ट को चेंज करके सेल्स अमाउंट देख सकते हैं, जैसे कि स्टील रूलर की सेल्स अमाउंट है 99752 ब्रांच 3 के लिए 99752। यहाँ पर हम ब्रांच 2 को सिलेक्ट करेंगे और देखेंगे सेल्स अमाउंट है 2587, ब्रांच 2 के लिए सेल्स अमाउंट है स्टील्स रूरल की 2587। तो दोस्तों ये काम किया गया है इंडेक्स प्लस मैच फॉर्मूला की मदद से और साथ में एक ऐसा फॉर्मूला जो इस तरह के काम करने के लिए बहुत ही उपयोगी है और इसका नाम है इनडायरेक्ट फॉर्मूला। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं कि इस काम को कैसे किया जाता है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था मेरे पास तीन अलग अलग ब्रांच की वर्कशीट है। ये है ब्रांच 1 जिसमें प्रोडक्ट और सेल्स अमाउंट है, ब्रांच 2 यहाँ पर भी प्रोडक्ट और सेल्स अमाउंट है, ब्रांच 3 यहाँ पर भी प्रोडक्ट और सेल्स अमाउंट है, लेकिन हर एक ब्रांच के डेटा में सेल्स अमाउंट अलग अलग है। यहाँ पर मैंने और एक मास्टर डेटा व्यू की एक्सेल शीट बनाई है जहां पर हमें मल्टीपल सीट लुकअप लगाना है इंडेक्स प्लस मैच फॉर्मूला की मदद से ताकि हम तीनों ब्रांच की सेल्स अमाउंट को देख सके एक ही वर्कशीट के ऊपर। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी ब्रांच का ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाया है, ब्रांच 1, ब्रांच 2 और ब्रांच 3। सबसे पहला काम हमें इन तीनों ब्रांच के डेटा को टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो मैं यहाँ पर ब्रांच 1 की शीट में जाऊंगा, इस डेटा को कंट्रोल ए करके सिलेक्ट करूंगा, कंट्रोल टी करूंगा, माई टेबल हैज हेडर, मैं यहाँ से ओके करूंगा। अब यहाँ पर इस टेबल का नाम हमें चेंज कर देना है, मैं यहाँ पर इस टेबल का नाम करूंगा ब्रांच 01। उसी तरह हमें ब्रांच 2 में आना है, इस डेटा को कंट्रोल ए करके सिलेक्ट करना है, कंट्रोल टी करना है, माय टेबल हैज हेडर ओके करना है। यहाँ पर हमें टेबल का नाम चेंज कर देना है, इसका नाम हमें रखना है ब्रांच 02। उसी तरह मैं ब्रांच 3 में आऊँगा, डेटा को सिलेक्ट करूँगा, कंट्रोल टी करूँगा, यहाँ से मैं ओके करूँगा, इस टेबल का मैं नाम चेंज करूँगा ब्रांच 03। तो यहाँ पर हमारा पहला काम हो चुका है। अब दूसरा काम ये है कि ब्रांच 1 की शीट आपको ओपन कर लेनी है, प्रोडक्ट की सेल्स रेंज को कुछ इस तरह से कम्प्लीटली सिलेक्ट कर लेनी है। अब यहाँ पर आपको शॉर्टकट की प्रेस करनी है Alt+MC, यहाँ पर आपको ऑप्शन सिलेक्ट रखना है टॉप रो, मैं यहाँ से ओके करूँगा। तो यहाँ पर ये जो सभी प्रोडक्ट्स है उसका एक नाम हो जाएगा प्रोडक्ट। देखिए मैं यहाँ पर इस सेल्स रेंज को सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आप देखिए एड्रेस बार में इसका नाम शो हो रहा है प्रोडक्ट्स। तो ये था हमारा दूसरा काम। अब यहाँ पर हम मास्टर डेटा व्यू की शीट के ऊपर आ जाएंगे और यहाँ पर हमें प्रोडक्ट का ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना है। तो उसके लिए हमें यहाँ पर शॉर्टकट की प्रेस करनी है Alt+AVV, यहाँ पर हमें एनी वैल्यू की जगह पर सिलेक्ट करना है लिस्ट को और यहाँ पर सोर्स में हमें इज इक्वल टू करके इनडायरेक्ट का फॉर्मूला लगाना है। मैं यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करूंगा, यहाँ पर हमें F3 की प्रेस करनी है, यहाँ से हमें प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना है, ओके करना है। अब यहाँ पर इस प्रोडक्ट को हमें डबल कोट्स में इंक्लूड करा देना है,
फिर यहां से मैं ब्रैकेट क्लोज करूंगा और यहां से मैं ओके करूंगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं प्रोडक्ट का ड्रॉप डाउन लिस्ट बन चुका है और ये काम कंप्लीटली डायनामिक है। वो कैसे मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। अब यहां पर हमें ब्रांच के अकॉर्डिंग और यहां पर प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग यहां पर सेल्स अमाउंट को शो करानी है। तो इस काम को करने के लिए हम यहां पर इंडेक्स प्लस मैच फॉर्मूला का यूज करने वाले हैं। तो इज इक्वल टू करके मैं यहां पर इंडेक्स का फॉर्मूला टाइप करूंगा। एरे के लिए हमारे पास तीन अलग अलग एरे होंगे, ब्रांच वन का एरे, ब्रांच टू का एरे और ब्रांच थ्री का एरे। और यहां पर हमें एरे सिर्फ एक ही बार सिलेक्ट करना है, लेकिन हमारे पास यहां पर तीनों ब्रांच के तीनों अलग अलग एरे है या फिर कहे तो तीनों अलग अलग टेबल है। तो यहां पर हमें इनडायरेक्ट का फॉर्मूला लगाना होगा। रेफरेंस टेक्स्ट के लिए मैं यहां पर ये सेल सिलेक्ट कर लूंगा। तो यहां पर ब्रांच जैसे ही चेंज होगी ऑटोमेटिकली डेटा उसी ब्रांच से हमें शो होगा। अब यहां पर हमें कॉमा करना है, रो नंबर का आर्ग्यूमेंट ओपन हो रहा है, हमें यहां पर मैच का फॉर्मूला लगाना है। लुकअप वैल्यू हमारी ये रहेगी जहां पर हमने प्रोडक्ट का ड्रॉपडाउन लिस्ट बनाया था। कॉमा करना है, लुकअप एरे के लिए फिर से हमें यहां पर इनडायरेक्ट का फॉर्मूला लगाना है। यहां पर फिर से आपको F3 की प्रेस करनी है, यहां पर आपको प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लेना है, ब्रैकेट क्लोज करना है, कॉमा करना है। एग्जैक्ट मैच के लिए मैं यहां पर जीरो टाइप करूंगा, ब्रैकेट क्लोज करूंगा, कॉमा करूंगा। आर्ग्यूमेंट है कॉलम नंबर, तो फिर से मैं यहां पर मैच का फॉर्मूला लगाऊंगा। लुकअप वैल्यू के लिए मैं यहां पर ये सेल सिलेक्ट करूंगा, कॉमा करूंगा। लुकअप एरे के लिए मैं ब्रांच वन की शीट में जाऊंगा और लुकअप एरे कुछ इस तरह से मैं सिलेक्ट कर लूंगा, कॉमा करूंगा। एग्जैक्ट मैच के लिए मैं यहां पर जीरो टाइप करूंगा, एक बार ब्रैकेट क्लोज करूंगा मैच फॉर्मूला के लिए और दूसरी बार ब्रैकेट क्लोज करूंगा इंडेक्स फॉर्मूला के लिए। मैं यहां पर अब इस फॉर्मूला को एंटर प्रेस करके क्लोज करूंगा। अब हमें यहाँ पर रिजल्ट शो नहीं हो रहा है, हमें यहाँ पर एरर शो हो रही है। तो दोस्तों ये एरर क्यों आई है उसका एक सिंपल रीजन है। मैं फॉर्मूला को ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ पर आप देखिए इनडायरेक्ट फॉर्मूला मैंने लगाया है लुकअप एरे के लिए और यहाँ पर ब्रैकेट में है प्रोडक्ट। तो दोस्तों ये एक टेक्स्ट है और टेक्स्ट को हमें ऑलवेज डबल कोट्स में टाइप करना रहता है। तो मैं इस प्रोडक्ट को यहाँ पर डबल कोट्स में इंक्लूड कराऊंगा और मैं एंटर करूंगा। तो अब जाके हमें यहाँ पर रिजल्ट शो हो रहा है। तो दोस्तों ऐसी छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना होगा फॉर्मूला लगाने के समय, अदरवाइज आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा और आप सोचते ही रह जाएंगे कि मुझे यहाँ पर रिजल्ट क्यों नहीं मिला, मैंने सब कुछ तो सही किया है। तो दोस्तों यहाँ पर ब्रांच वन के लिए प्रोडक्ट है मार्कर और सेल्स अमाउंट है 6000। मैं यहां पर ब्रांच चेंज करूंगा ब्रांच टू, तो सेल्स अमाउंट शो हो रही है 2456। मैं यहां पर ब्रांच टू में जाऊंगा, मार्कर की सेल्स वैल्यू देखूंगा 2456। मास्टर डेटा व्यू की सीट में आऊंगा, यहां पर मैं ब्रांच चेंज करूंगा ब्रांच थ्री, सेल्स अमाउंट है 7800। ब्रांच थ्री में जाऊंगा, मार्कर की सेल्स वैल्यू है 7800। उसी तरह हम यहां पर अलग अलग प्रोडक्ट को चेंज करके सेल्स अमाउंट को देख सकते हैं। मैं यहां पर ब्रांच वन करूंगा, तो देखिए ब्रांच वन, ब्रांच टू और ब्रांच थ्री के लिए A4 पेपर की सेल्स अमाउंट चेंज हो रही है और ऐसा ही काम हमें चाहिए था। अब दोस्तों यहां पर हमने जो काम किया है वो कम्प्लीटली डायनामिक है। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर ब्रांच वन में जाऊंगा और यहाँ पर मैं एक और प्रोडक्ट एड कर दूंगा, जैसे कि रबर स्टैम्प। मैं सेल्स अमाउंट टाइप कर दूंगा 5050। अब मास्टर डेटा व्यू की शीट में हम जाएंगे और ड्रॉप डाउन लिस्ट अगर आप ओपन करेंगे तो यहां पर आपको रबर स्टैम्प मिल जाएगा। इसे मैं सिलेक्ट करूंगा, तो यहां पर आप देखिए हमें यहां पर एरर शो हो रही है। ये एरर हमें इसलिए शो हो रही है कि रबर स्टैम्प ब्रांच थ्री में नहीं है, रबर स्टैम्प है ब्रांच वन में। तो मैं यहाँ पर ब्रांच वन सिलेक्ट करूंगा, तो देखिए हमें यहाँ पर सेल्स अमाउंट शो हो रही है। तो दोस्तों कुछ इस तरह से आप इंडेक्स प्लस मैच फॉर्मूला के साथ इनडायरेक्ट फॉर्मूला का यूज करके और कुछ इस तरह की एक्सेल टिप्स एंड ट्रिक्स यूज करके आप भी मल्टीपल सीट लुकअप अप्लाई कर सकते हैं इंडेक्स प्लस मैच फॉर्मूला की मदद से। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आज की वीडियो से आपने जरूर कुछ नया सीखा होगा। अगर आपको मेरी चैनल के कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो मेरी चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।